On. Okay, on. Let's give a clap offering to the Lord. Sorry, man. आप लोग बार बार मुझे याद दिलाते हैं ऑनलाइन जो आते हैं कि मैं एक घंटा पहले बोला करूं कि मैं आने वाला हूं, सॉरी मैं भूल गया फिर से। यहाँ आप लोगों को किसी को याद रखना चाहिए जब मेरा मैसेज होता है कि नहीं? जवानी में याद नहीं रहता तो क्या है कि आप जैसे जैसे मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे भाई बहन बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं प्रभु के वचन से आज सीखते हैं, जुड़िए मेरे साथ में और कुछ सीखेंगे, आज सीख कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं, तारा भट्ट जी, सिमरन कौर जी, एकता गुप्ता जी, निहारिका जी, राखी जी, सुनंदा जी, सबका स्वागत है। I welcome you all. You can like, you can share, you can learn, you can comment, whatever the Lord leads you. I'd love it. अगर आप लिखें आपने आज क्या सीखा जी। जैसे मेरी 18 प्रोफेसीज आई थी 2018 के लिए, उसमें से मोदी जी को बहुत ही पसंद आई थी रीजनरेशन। तो आज मैं बात करूंगा कि होता क्या है जब हम यीशु मसीह में आते हैं। What happens when we come to the Lord? How are we reborn and regenerated? आज मैं आपसे यह बात करूंगा कि जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, उनके साथ आते हैं, उनके हम उपस्थिति में आते हैं, तो हमारा कैसे पुनर्निर्माण होता है और हम कैसे परिवर्तित होते हैं। थैंक यू जीसस। आइए जी, जुड़ते रहिए जी। मारिशा, गॉड ब्लेस यू बेटा। जसपाल सिंह, एकता गुप्ता जी, सुनंदा नायर जी, आते रहिए, जुड़ते रहिए मेरे साथ। आई वेलकम यू ऑल। पढ़िए अभी कोलोशियंस की किताब, उसका सेकंड चैप्टर एंड 13th वर्स। व्हाट हैपेंड टू यू व्हेन यू केम हियर टू मी? कुलिसियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 13वीं आयत, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। You are dead. You keep thinking that I mean not power of love, but never was the intention of the Lord Jesus to create a religion. In fact, he went against the people who were the most against and vociferously against Jesus were the most religious people of those times. यीशु मसीह का कभी भी यह ध्येय नहीं था कि वह कोई धर्म शुरू करें, बल्कि जो लोग बहुत धार्मिक हुआ करते थे वही वो लोग थे जो यीशु मसीह के सबसे ज्यादा खिलाफ थे। So what I want to tell you today is that I don't use the word enemy very often, because I'm victorious in Jesus Christ, but the enemy wants you to think that it is a religion. मैं आज आप मेरे मुंह से शत्रु शब्द बहुत सुनेंगे क्योंकि बहुत कम सुनते हैं क्योंकि प्रभु यीशु में मैं विजेता हूँ, और क्योंकि शत्रु आपके मन में यह डालना चाहता है कि यीशु मसीह जो है वह कोई धर्म शुरू करने आए थे। He wants you to make this a religion and get into rituals and get into things how we maro maska to you know
little humble butter to our bosses or to different things for college admission or a job, and the same relationship he wants you to have with God, an artificial false relationship. शत्रु आपके मन में यही डालना चाहता है कि आप कुछ रीति रिवाज या कोई विशेष कार्य करें, जैसे आप दूसरों को अपना काम निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह का कुछ रिश्ता आपके साथ परमेश्वर के साथ बने, ऐसा शत्रु आपके मन में डालना चाहता है। हाँ जी चीकू जी आइए, कैसे हैं आप? सब ठीक है यहाँ? मैवरिक स्टीफन मसीह, रानी भट्टी जी, आप भी बड़ी रेगुलरली देखने आया भी करिए। दीपक, दीपिका गोंडवाल, हाउ आर यू बेटा? All my Jhajra children, Kinle Pandey, Sophia Khan, Kanchan Nagdev, Jaspal Singh, sabka swagat hai. Everybody's welcome. So, he wants to make it light and make it a ceremony or a ritual where here the Bible tells us it is a matter of death and life. शत्रु आपके मन में इसे एक धार्मिक चीज बनाना चाहता है, जबकि बाइबल ने ऐसा लिखा है कि यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। Read the scripture again. पुलिसियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 13वीं आयत, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। Sin and disobedience which had killed us, not was killing us, which had killed us, we thought we were alive but we were dead. While we were in such a state, while we were in such a deplorable state, he came and took our sins away and forgave us. This is regeneration. The core of regeneration, the spirit of Christ is regeneration. जब हम अपने पापों में और अपनी अवज्ञा में मरे हुए थे, मरने वाले नहीं थे, पहले ही मरे हुए थे, तब यीशु मसीह आए और उन्होंने हमें वापस जिलाया, हमारे पापों से हमें क्षमा किया। So it is not a light matter. You take it lightly because you haven't done anything in this. So you think it's a light matter. But you couldn't have done anything in it. You cannot give yourself mouth-to-mouth respiration to make yourself alive. आपको लगता है कि ये बहुत हल्की या सरल बात है, क्योंकि आपने इसमें कुछ नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर ने इसमें बहुत बड़ी चीज की है और आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए यह एक हल्की बात नहीं है। You know, what is grafting of a plant? You take a plant and you put it in another soil and it grows again. क्या आपको पता है कि पेड़ पौधों में ग्राफ्टिंग की एक प्रक्रिया होती है, जीवित मिट्टी में बो दिए गए हैं जो यीशु मसीह है। From the soil of death, we have been planted into the soil of life. पाली बताइए। Okay, so you understand now that it is a matter of death and life. तो अब आपको यह समझ आ गया कि यह जीवन और मृत्यु की बात है। अभी जाते हैं हम अभी हमने एफिशिएंस पढ़ा कि कोलोसियंस पढ़ा? अभी हम पढ़ेंगे एफिशिएंस 2:1। इफिसियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 1वीं आयत, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। Same thing, just to emphasize. Then we go to John 3:3. यूहन्ना की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसकी 3री आयत,
यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। You can see nothing of God without being born again. You can see nothing of no glory of God, no miracle of God, no sign of God, no wonder of all. All you can see is ke east ki taraf ghar le lo, west ki taraf ghar le lo, idhar se utar jao, udhar se utar jao. Hai? Isko idhar ghuma do, usko udhar ghuma do, kuch nahi hota usse. If you want to see the glory of God, Christ has to live in you. अगर आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह का आपके अंदर जीवित रहना बहुत आवश्यक है। His life has to come alive in you. His persona has to come alive in you. His spirit has to come alive in you for you to see the supernatural. और अलौकिक चीजें देखने के लिए यीशु मसीह की आत्मा, उनका व्यक्तित्व और उनका जीवन आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। If you want to know something about the desert, what do? You have to go and live there. अगर आपको रेगिस्तान के बारे में कुछ जानना है तो आपको क्या करना होगा? आपको वहाँ जाकर रहना होगा और देखना होगा। If you want to know about a madhouse, you have to go and live in the madhouse. और आपको किसी एक पागल खाने के बारे में जानना है तो आपको वहाँ जाकर देखना होगा। If you want to know about a mountain, you have to live in a mountain. अगर आपको पर्वतों के बारे में कुछ जाना है तो आपको पर्वतों में रहना होगा। If you want to become a hotelier, you have to do a course of hoteling in Shivaji Park, I think. अगर आपको होटल चलाने हैं तो आपको उसका एक अध्ययन करना होगा। If you want to become an athlete, you have to go on camps and learn the sport over there. और अगर आपको खिलाड़ी बनना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा जहां आपको खेल सिखाया जाए और आपको जाकर सीखना पड़ेगा। कुछ भी चीज सीखने के लिए वहां रहना पड़ता है। कुछ भी सी चीज सीखने के लिए वहां पे रहना पड़ता है। तकलीफ को हराने के लिए भी वहां रहना पड़ता है। अगर आपका कोई घर टेक ओवर करना चाह रहा है, आप छोड़ के भागेंगे कि वहीं रहेंगे? वहीं रहेंगे ना, हॉकी वॉकी रखे है कि नहीं? So you have to live there and face it, so you learn the situation and you defeat the enemy. आपको उसी परिस्थिति में रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा ताकि आप उस परिस्थिति को हरा सके। To know God, you have to live in Christ. परमेश्वर को जानने के लिए आपको यीशु मसीह में रहना पड़ेगा। Now you might say, I'm not good enough. हो सकता है आप यह कहें कि मैं तो बहुत अच्छा नहीं हूँ। You are absolutely right. और आप बिल्कुल सही हैं। You can never be good enough to be like God. आप कभी भी इतने अच्छे नहीं बन सकते कि आप परमेश्वर जैसे बन जाएं। He transforms you when you start living in Him. I am teaching the basic gospel today. वह आपको धीरे धीरे परिवर्तित करना शुरू कर देता है जब आप उसमें रहना शुरू कर देते हैं। किसी ने भी दुनिया में किसी औरत ने आदमी ने पहली चपाती गोल नहीं बनाई। कितनी भी बड़े कुक हो, कितना बड़ा शेफ हो, जो पहली रोटी उसने बेली है उसमें कोई मैप ही बना होगा। ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, ये पता नहीं कहां का। मैं आज बनाऊंगा तो मैं भी मैप बना दूंगा। लेकिन जब भी मां बनाती है तो एकदम स्फीयर गोल बनता है। एकदम क्या है, किचन में बहुत रही, किचन में हमारी माएं बहुत रही हैं तो गोल रोटी बनती है, अच्छा खाना बनता है, मजा आता है खाने का। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि रहना पड़ता है अगर कोई चीज सीखनी हो तो। अगर आप रहेंगे नहीं, सिर्फ आप तब एंट्री मारने की कोशिश करेंगे जब टांग में दर्द हो रहा है, जब बैक में दर्द हो रहा है, या सिर में दर्द हो रहा है, या कोई कोर्ट केस हो गया है, या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तब क्या चाबी लगती नहीं? आप अपने घर का ताला रोज खोलते हैं, आप इधर उधर भी देख रहे होते, फट करके खोल देते हैं। आदत, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। नए घर की दे दो तो वहां पे मोबाइल ऑन कर, ऐसा देख, ऐसा देख, ऐसा, छोटी छोटी चीजें हैं पर सही है कि नहीं?
कितने लोग साइकिल चला लेते हैं, मैं भी चला लेता हूं, अभी हाथ नीचे करिए, कितने लोग नहीं चला सकते साइकिल, हाथ उठा, एक साइकिल लेके आओ। अभी अहमदाबाद को मैं साइकिल पे बिठा दूं तो डेफिनेटली आप भी नहीं चलाती ना, आपको भी बिठा दूं, तगड़ी है पंजाब में, लेकिन चलेगी नहीं साइकिल। साइकिल के ऊपर रहना पड़ता है, मेरा पूरा स्कूल, मेरा पूरा कॉलेज साइकिल पे गुजर। किसी दोस्त यार अमीर होता था, उसका मोटरसाइकिल मिल जाता था तो मौज हो जाती, नहीं तो साइकिल से ही सब जगह जाते थे, 30-30, 35-35 किलोमीटर रोड चलाते थे। अभी भी आप दे दो साइकिल, फर्स्ट क्लास चलाऊंगा, शायद 30-40 साल से नहीं चलाई, नहीं नहीं कम हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, परमजीत सिंह होता है। John 3:3 अगेन, यूहन्ना की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसकी तीसरी आयत, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। जो लोग आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह में, वो पिछला छोड़ देते हैं। मेरी टांग को आप इस दीवार के साथ बांध दीजिए, फिर मैं कहूं मैं यीशु के साथ जाऊंगा, मुश्किल पड़ जाए। कितनी दूर जाओगे, कितनी दूर जाओगे, है कि नहीं, डेंजर। तो आपको ये टांग खोलनी पड़ेगी ना, नहीं वो भी तो है ना, वो भी तो क्या फर्क पड़ता है अगर हम सिर्फ ईस्ट फेसिंग फ्लैट के लिए, कोई नुकसान तो नहीं है ना। अरे बहुत भारी नुकसान है, मेरे को भी, मैं देख रहा था घर, मैंने इतने एस्टेट एजेंट, मेरे फोन भर गया है मोबाइल एस्टेट एजेंट से, ये वाला फेसिंग फ्लैट, वो वाला फेसिंग फ्लैट, ये वाला फेसिंग फ्लैट। मैंने कहा कोई भी फेसिंग दे यार तू मेरे, मैं उसको क्राइस्ट फेसिंग कर दूंगा। कहता आप नहीं मानते, मैंने कहा ना, तो सोचा थोड़ी देर, कहता बात तो सीख ठीक है, आप नहीं मानते क्योंकि जो मानते भी है उनकी तकलीफें कहां चली गई, तो बढ़ती जा रही है। मैंने कहा हाँ करमवीर में हाँ। सो यू दीज आर, वो कौन सा है रैबिट से गाना गाते थे, हम लोग तो खैर सहारनपुर के छोटे शहर के, आप बड़े शहर के हो। सो मेनी रैबिट्स इन द फील्ड ऑफ कॉर्न, it is a Sunday school song. No, I have to tell them what is it. The word goes, pick them out, unko ukaad do. I won't sing it now because it will take time. Ukaad do apni zameen se, apni dil ki zameen se, jo envy, jealousy, malice and pride, they should never in my heart abide. Amen. No. First line. तो हमें लगता है वो और 10 खरगोश ले जाता है, एनवी जेलेसी आ जा, पित्तू भी आ जा, ग्रीड आ जा, एंगर आ जा, वायलेंस आ जा, क्या फर्क पड़ता है, छोटा सा रैबिट। दीज लिटिल थिंग्स बिकम ट्रैप्स ऑन द फीट ऑफ मैन, little things, ये जो है मैं आपको बता रहा हूं, ये एक हल्का सा मोबाइल है, ठीक है, ऐसे मैं 2,00,000 मोबाइल आपके सिर पे रख दूं तो क्या होगा, क्रिपल हो जाएगा, चल नहीं सकते, गारंटी दे रहा हूं, 1,00,000 भी रख दूं तो आप चल नहीं सकेंगे। लेकिन वैसे क्या है, कुछ भी नहीं हाथ में, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह पाइलअप होती हैं चीजें, कोई बड़ा हाथी नहीं आ जाता एकदम से, शैतान इस तरह पकड़ता है छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी चीज। अपने शहर में बैडमिंटन और
टेबल टेनिस खेलने जाता था, थोड़ी बॉक्सिंग भी करता था। वहां पे दो ग्रुप्स आते थे, एक ग्रुप आता था जो खेलता था सिर्फ और मस्ती करते थे, लेग पुलिंग होती थी, जो दोस्तों यारों में होता है, और बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल था। और एक वहां छोटा सा कमरा था साइड पे, जिसको बोला जाता था पत्तेबाजी का कमरा, जहां पे बोलता आज वॉक का मोड था सिर्फ 20 मिनट है। मैंने कहा 20 मिनट भी तुझे नुकसान नहीं करेंगे, जा 20 मिनट चलना भी नुकसान नहीं करेगा, 10 मिनट चलना भी नुकसान नहीं करेगा। तू हर वक्त वेट करता रहेगा, जब 1.5 घंटे की वॉक करनी है वो कभी होगी नहीं। तू 10-10, 20-20 मिनट की करते रहेगा, 1 घंटे की भी कर लेगा। बिकॉज उस टाइम पे बॉडी क्लॉक होती है हमारी, वी हैव बॉडी क्लॉक। सुबह उठते हैं कैसे, चाय है ना, अभी रात को 3 बजे उठा के मैं आपको बोलूं चाय पियोगे मारूंगा फट, सो रहा हूं चाय पिला रहा है, क्या दिमाग खा रहा है। लेकिन सुबह 7-8 बजे चाय, हाँ चाय चाय लाओ, न्यूज पेपर लाओ। मैडम मेरा मैसेज शॉप में भी चले जाइए, रीड अ गुड बुक, इट डज वंडर्स टू योर माइंड। कुछ लोग तो बुक का फ्रीज हो जाते हैं, बुक का, अच्छा बुक्स पढ़ते हैं, बुक पढ़ना चाहिए, मराठी लिटरेचर पढ़ना चाहिए, गुजराती लिटरेचर पढ़ना, सिंधी लिटरेचर पढ़ना। जब मैं उल्लास नगर गया था तो मैं उनका लिटरेचर पढ़ के गया था, उनकी हिस्ट्री पढ़ के गया था। आई स्पोक ओनली फॉर 5 मिनट्स बट आई न्यू व्हाट डिफाइंस द पीपल कल्चर्स। अभी तो दुनिया मैंने घूमी है, इंडिया इज द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड हुज यस एंड नो इज द सेम। खाना खाएंगे, पिक्चर छोड़ो आज, यस हर चीज में यस। इन इंग्लैंड इफ यू बर्प पीपल विल गेट वेरी ऑफेंडेड। इन सम प्लेसेस इन इंडिया एंड अरब कंट्रीज वुमेन वेट टर्च ही लाइक द फूड। डिफरेंट कल्चर्स, नहीं नहीं हो गया, ओके। John 1:12-13 ये बंद क्यों हो गया, चल वेलकम लॉरीन, अरे रोजी गुड टू सी यू, यू रोजी ओनली ना, लॉरीन लॉरीना हाउ आर यू गाइस, हाउज डेल, हाउज एवरीबॉडी एल्स, गॉड ब्लेस यू गाइस। Pray that Jeannie is perfectly fine now. I pray right now for Jeannie that she be healed, Father God, by the stripes of Jesus. Amen. Ravi Gupta ji, Rosie ji, Sophia Khan ji, Sarah James ji, Marisha ji, Niharika ji, sabka swagat hai. Sharina ji, Nitya Dhanani ji, सबका स्वागत है, प्रेज द लॉर्ड। शरीना लवली कपल, ऑल इज ओके, वेरी थैंक गॉड फॉर दैट रोजी, थैंक गॉड फॉर दैट, होप टू सी यू गाइस व्हेन द लॉर्ड विल्स। पढ़ो यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Step by step, who are you? Who are you? Who am I? We are Thasu people because of Jesus. Each one. फिर से पढ़िए, you should know who you are. Your businesses will flourish, your jobs will flourish, your money will flourish. But kya hai? Prabhu meri madad kar, Prabhu meri madad kar, Prabhu. Prabhu kehta hai idhar aaye. Nahi Prabhu, kaun hai? Prabhu meri madad kar, kehta hai idhar aaja, ye karna chhod de. Nahi, aisa ho nahi chhodunga.
प्रभु कह रहा मैं इधर हूं, तू राइट साइड पे आ थोड़ा। प्रभु जॉब दिलवा दे, शर्मा जी को जाके मिल, शर्मा जी नहीं मिलूंगा मैं। प्रभु मेरे को हीलिंग दे, नहीं एग्जैक्टली आई सेड जॉक्युलरली बट एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंस। प्रभु मेरे को हील कर दे, प्रभु मेरे को हील कर दे, मेरा कैंसर हील कर दे, मेरा कैंसर हील कर दे, मेरा कैंसर हील कर दे। अपने मामा जी को माफ कर, अपने ताया जी को माफ कर, अपने दोस्तों को माफ कर, अपने कोलीग्स को माफ कर, रिश्तेदारों को माफ कर, घृणा निकाल दिल से। प्रॉब्लम सर, प्रभु मेरे फाइनेंसेस ही कर दे, मेरे फाइनेंसेस ही कर दे, मेरे फाइनेंसेस ही कर दे। टाइट भरा कर है जी, 10% पूरा, 3% प्रभु। कैसे हील होगा फाइनेंसेस? जो आप मेरे को महीने के शुरू में स्लाइड करते हुए देखते हैं आपके अपने पास्टर को, वो मेरी टाइट होती है, समझे ना, क्योंकि पहले मैं करूंगा तो आपको सीख आएगी। और मुझे पता है कि मेरे दिल में भंगड़ा चल रहा होता धुम ना 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 धुम ना ना ना, आई नो आई विल बी ब्लेस्ड। सो देयर इज अ वे गॉड वर्क्स इन यू, देयर इज अ वे हाउ गॉड वर्क्स इन यू। परमेश्वर का एक तरीका होता है जिसके द्वारा वह आपके जीवन में कार्य करता है। You want to be born again, you want to follow Christ, but remain the same. How it is possible? आप फिर से जन्म लेना चाहते हैं, आप यीशु के साथ चलना चाहते हैं, उसके पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन आप बदलना नहीं चाहते, तो ऐसा कैसे होगा? You want to remain an infant in some ways and keep on wanting only milk to drink. You'll get no vitamins, no protein. You'll not grow spiritually. आप कुछ क्षेत्र में बच्चा बनकर रहना चाहते हैं और कहीं कहीं आप दूध पर ही जीवित रहना चाहते हैं, तो फिर आप परमेश्वर में कैसे बढ़ेंगे? You want to get healed, you have to renew your mind. You want to get rid of depression, you have to let Jesus blow a wind in your mind and heal you. When Jesus says, come here, you go there. When Jesus says you come there, you come there. Jesus says you help somebody, you help somebody. Jesus says you do this, you do this. You know, there is one thing, you know, I suddenly remember, Rosie, listen to this carefully. If you are doing God's work, if you are doing God's work, in our own way, we are all doing God's work. You are here, you are doing, you are in the will of God, no? It's the safest and the best place to be here, currently in hall on a Sunday morning. Everybody has problems. And if you are looking for a sign to serve God, like supposing there was a great man of God, he was doing meetings for God, he was doing a great work for God, and suddenly he stopped for whatever reason, and then if he asked for a sign that he should start the same work again, there is no sign, there is a command. The command is, go into all the world and give the gospel to every creature. So men and women of God who are watching me and are waiting to give the gospel to people, don't wait. There is no sign that comes for it, but there is a command that comes to it, that you go and save souls. Amen. Amen. अगर हमने कि आपने भी कोई है जो परमेश्वर का कार्य करना चाहता है, करता था, और किसी वजह से उसने वो कार्य रोक दिया, और वह यह अब सोच रहा है कि हमें कोई चिन्ह दिखाइए परमेश्वर की, हम आपका कार्य फिर से पूरा करें या करना शुरू करें, तो
आप यह जान लीजिए कि परमेश्वर कोई चिन्ह नहीं दिखाता, वह सीधे सीधे आपको आज्ञा देता है कि जाओ जाकर सबको मेरा सुसमाचार सुनाओ, जाकर रूहें बचाओ। उसके लिए आपको आज्ञा दे जा चुकी है, उसके लिए आपको कोई चिन्ह चमत्कार नहीं प्राप्त होगा। You don't have to wait for a sign to do what every human being has been commanded. And if you were an expert in doing that and you stopped, it is time now for you to begin with double vigor. All you men of God out there. आपको किसी चिन्ह चमत्कार की जरूरत नहीं है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो हर मनुष्य को यह आज्ञा दी गई है कि जाकर रूहें बचाओ, और किसी वजह से अगर आपने वह कार्य करना बंद कर दिया है तो अब आपको दुगनी तेजी और दुगनी उत्साहित होकर उस कार्य को फिर से करना है। You did the work of God. So what makes you doubt anymore? Continue the work of God. हो सकता है आप परमेश्वर के किसी दास या दासी के साथ रहे हैं, आपने लाखों चिन्ह चमत्कार पहले ही देखे हैं, तो अब आपको कौन से चिन्ह की जरूरत है? आप पहले ही रह चुके हैं और आपने देख लिया है, तो जाइए और जाकर अपना कार्य पूरा करिए। My dear girl, or is it, I don't know, boy, if I don't say okay, but of course, abhi aage chalte hain. Kya padha aapne? What do you get to be? Phir se padho. Yohanna ki pustak, uska pehla adhyay, uski 12vi aur 13vi ayat. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। I got permission from the boss. Take your time. So, you want houses? आपको घर चाहिए, आपको विवाह करना है, आपका करियर नहीं ठीक है, प्रभु बोलता है ऐसा कर, ना आपको माइंड हील करना है, ना डिप्रेशन से बाहर करना है, तो उसकी सोच में आप कौन हो पड़े? जब हम अपने अर्थली बाप की सुनते हैं थोड़ी बहुत, अगर हम उसके बेटे बनना चाहते हैं और बन गए हैं, तो जो बोलेगा हमारे भले के लिए बोलेगा, जो बोलेगा हमारे भले के लिए बोलेगा, वो थोड़ा सा हमारे को पिंच करेगा, लेकिन आप कहीं से काटे गए या मरे हुए थे, आप नए सॉल में प्लांट हुए हैं, आपको नई बातें सीखनी ही पड़ेंगी। आपको यू वॉन्ट टू बी ब्लेस्ड, यू हैव टू बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। अ चाइल्ड ऑफ गॉड लिसन्स टू द बॉस। Is there any bigger boss than God? None whatsoever. Whatever he tells you is perfect. मैं बहुत ही नम्रता के साथ बोल रहा हूं, पर कुछ लोग मेरे साथ 20-20 साल से हैं, 18-18 साल से हैं। अगर प्रभु ने कोई वर्ड ऑफ नॉलेज मेरे मुंह के थ्रू निकलवाया है, ऐसा हुआ है कि वो नहीं हुआ? 1, 2, 3, yes या no बोलिए। 1, 2, 3, yes. 1, 2, 3, yes. 1, 2, 3, yes. कैसे होता है? People wait, mature people wait. Pastor will get a word and they get healed. जो लोग समझदार हैं वह इंतजार करते हैं कि पास्टर के मुंह से कोई एक परमेश्वर का वचन शब्द मिलेगा और उनको अपनी चंगाई प्राप्त हो जाएगी। Children of God, why will we be poor? Why will we starve? Why will we be miserable? No! We will be happy, we will rejoice, we will be rich, we will live like kings and queens. हम सब परमेश्वर के संतान हैं, तो आखिर हम गरीब क्यों रहेंगे? क्यों हमें रो रहेगा? क्यों हम? मेरी छोटी बहन ताली बजने दिया कर मेरे पास। अच्छा। परमेश्वर हमें दुखी क्यों रखेगा? हम उसकी संतान हैं, वह हमें संपन्न करेगा, हमें धन देगा, हमें स्वास्थ्य देगा और हमें राजा और रानी की तरह जीवन देगा। But you have to obey. लेकिन आपको उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी। उसके लिए
ताली बजाओ। कुछ बच्चों को आप उठा नहीं सकते, सुबह पानी भी फेंका मैंने नहीं करते, कुछ लाउड म्यूजिक ये सब, मतलब तो गीला हो गया भी सोया हुआ इस तरह भी। लेकिन उसी बच्चे को आप बोलो बेटे 4 बजे उठना है, सुबह पिकनिक पे जाना है। उसी बच्चे को आप बोलो 4 बजे उठ के लोनावला चलेंगे, वहां पे वॉटर राइड्स में जाएंगे, पार्क में जाएंगे, सारी रात जागे, सारी रात जागे, सो उठ गया और जब जा रहा रास्ते में सो रहा है बेचारा, लेकिन लोना में जाके फिर जाके। तो जो हमारे को प्रभु से मोहब्बत हो जाती है, तो अगर वो हमें 3 बजे उठा के बोलता है कि इज़कील का 4th chapter पढ़, तो हम पढ़ते बड़े ध्यान से पढ़ते, मजा आता है। जिस चीज से मोहब्बत होती है वो आदमी करता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और ये इश्क होता है, लोग शादी करते हैं प्रभु में, ये सब एक सही बातें हैं। मैं अपने डॉग को घुमा रहा था यारी रोड में, तो एक लड़का वहां खड़ा था, मोटरसाइकिल था उसके पास, टेढ़ा होकर ऐसे देख रहा, ऐसे मैंने कहा इसके पीठ में, मैंने घुमाया वापस आया वो तभी भी ऐसे, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने कहा Who lives there? She lives there. टेढ़ा, उसको कुछ सहानुभूति दिखी मेरी आंख में, तो मैंने कहा क्या हो गया, ग्राउंडेड मालूम पड़ गया, तो ग्राउंडेड हो गई, मैंने कहा मोबाइल ग्राउंड। तो बेचारा 1-1.5 घंटा ऐसे ही क्रैक में से मैंने देख रहा है ग्लिम्स के लिए, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा होता है, एक ग्लिम्स प्रभु की, एक ग्लिम्स अगर हमें मिल जाए हमारी जिंदगी बदल जाती है। वन ग्लिम्स ऑफ गॉड, वन रेवलेशन ऑफ गॉड, वन लाइट ऑफ गॉड, वन स्पार्क ऑफ गॉड चेंजेस आवर होल लाइफ। परमेश्वर की एक झलक, उसकी एक रोशनी हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। प्रीति सिंह, सिमरन कौर, अमन धालीवाल, सुजैद खान, अमन धालीवाल, सबको मेरा सलाम, प्यार भरा सलाम। इज़कील 36:26-27 See the changes which take place when you become the children of God. यजकेल की का पुस्तक उसका 36वां अध्याय उसकी 26वीं और 27वीं आयत। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और नई आत्मा, ओल्ड इज गोन, सो मेनी रैबिट्स कैचिंग योर लेग, यू गॉट टू शेक देम ऑफ। फिर से पढ़ो। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। डाकू भी रह रहा है अंदर और एक एंजल भी रह रहा है अंदर, साथ में रह सकेंगे क्या? कौन बड़ा बनेगा? जिसको आप फीड करेंगे। राक्षस को फीड करेंगे राक्षस बड़ा होता रहेगा, एंजल को फीड करेंगे वर्ड ऑफ गॉड को फीड करेंगे तो राक्षस छोटा होता रहेगा। बट यू कांट कीप फीडिंग बोथ। सांप भी रखा हुआ है, हिरन भी रखा हुआ है, सब जीवों को प्यार करते ही हैं, सब प्रभु ने बनाए हैं, उत्तम है। बाय बाय।
सब चीजें उत्तम नहीं है, सब चीजें उत्तम नहीं है। सो व्हाट डज ही गिव अस? ही गिव्स टेक्स अवे द हार्ट ऑफ स्टोन एंड गिव्स अस अ हार्ट ऑफ फ्लैश। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। You don't believe that people have a heart of stone? Don't you read the newspapers? They have something worse than that. They have a monster of a heart. आपको इस बात पर यकीन नहीं होता कि मनुष्य के अंदर पत्थर का हृदय हो सकता है? क्या आप समाचार पत्र नहीं पढ़ते? उससे भी बुरा होता है, उनके पास शैतान का भी हृदय होता है। So one has to go. It is a transplant. It is a new life. It is a transplant. One thing goes, another thing comes. Unless you are willing to give up the old, the new cannot come. जब तक आप पुराने को निकाल कर नया पाने की इच्छा नहीं रखते, उसकी सम्मति नहीं देते, तब तक पुराना नहीं जाएगा। कुछ नया पाने के लिए आपको उस पुरानी चीज को छोड़ना पड़ेगा। I challenge any one of you here to go to Mud Island from Warsaw in 2 boats. However expert you are, whether you watch Ajay Devgan's first film also, coming on a car, but in 2 boats you will drown. One boat has to be left and you have to be completely in the boat known as the Lord Jesus Christ. चलिए मोहतरमा आगे बढ़ते हैं। Oh, whoever needs me, I'll be there for the work of God, my dear boys and girls. Thank you, lovely message. Wow, thank you for the compliments, all because of the Holy Ghost. John 6:63. So, एक मिनट थोड़ा सा समरी करें। प्रभु हमें नया जीवन देता, पुरानी चीजें जाती, नई चीजें आती हैं, हमारे को उसकी बात सुननी पड़ती है, हमारे को पुरानी चीजों को साथ घसीट के नहीं चलना पड़ता, हमारे को अपनी लात नहीं मारनी चाहिए, हमारे को उसको पुराना है उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे को रीजनरेट होना है। प्रभु बोलता है मैं तेरे को अपना बेटा बनाता हूं और अपनी रूह से मैं तुझे नया बनाता हूं। यहां तक है कि नहीं? यस, इतना यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 63वीं आयत। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन है। एक मिनट, then comes the understanding to be continually regenerated. You have to continually study the word of God. उसके बाद यह समझ आती है कि आपको लगातार अपना पूरा निर्माण करना है और लगातार परमेश्वर के वचन को सीखते और समझते जाना है। प्रभु ने बोलता है कि अभी मैंने जो करना था किया, नया दिल दिया, तुझे नई जिंदगी दी, तेरी बीमारी ठीक करी, ये किया वो किया। अभी ये ले जिंदगी का मैनुअल, इसको बाइबल बोलते हैं, इसको पढ़ और सीख। इसको पढ़ और सीख। दैट इज अ continuation of the regeneration till we die. Restoration of marriage for Max Prince, I pray right now, and when it opens, please testify. Now we go to Capital Last. 1 Peter 6:63. अभी पढ़ो Titus 3:5. तीतुस की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 5वीं आयत। तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार। एक मिनट,
हमारे को अपने अंदर से मैं निकालनी पड़ती है. Sometimes people and Jesus are the most self-righteous people and I can smell them out. We are like that. We pray, we fast. We are so good. You're not good. The most important factor of being born again is knowing that we could not have done it, He did it. Unless you understand that, you understand nothing. A big fat zero. जब आप यीशु में पुनर्जीवन पाते हैं तो उसके लिए सबसे आवश्यक यह है कि आप यह जानें कि आप अपने द्वारा कुछ नहीं कर सकते थे, उसने अपने कर्मों से यह कर दिया. जब तक आप यह नहीं समझते तब तक आपको उसमें पुनर्जीवन नहीं मिल सकता. मैं तो गरीबों को खाना खिलाता हूँ, दर्द नहीं देखा जाता. मैं ऐसा करता हूँ, मैं 5 बार इधर जाता हूँ, मैं उधर कैंडल जलाता हूँ, कुछ नहीं. जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि इसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं, मेरा क्या हाथ था कि 4th of April 1998 में प्रभु यीशु मेरी बस में आ गए, मैंने क्या किया था, बिग फैट जीरो. तभी मुझे समझ आई कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ है. ये हर चीज में है. आई एम अ गुड एथलीट, देयर इज प्राइड, नो प्रॉब्लम. आई कुक वेल, ठीक है, अच्छा. लेकिन ये सेल्वेशन में कोई चक्कर ही नहीं. There only can we grow in him. Keep learning. For him we'll always be a child. I'll always be God's child. तो बच्चे को तो सीखने की, बुढ़ा भी हो गया है, चला नहीं जा रहा, पर है तो प्रभु का तो बच्चा ही है. That everything was prepared by God for our benefit, and the word of God will take us through life victoriously. परमेश्वर ने हर चीज पहले से ही निर्धारित कर रखी हमारे अच्छे के लिए. उसका वचन हमें सहायता करेगा उस मंजिल तक पहुंचने में. वन जॉन 4:7 पहला यूहन्ना उसका 4th अध्याय उसकी 7वीं आयत. हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है. वर्स बाय वर्स अंडरस्टैंडिंग. यू कैन नॉट हेट पीपल एंड नो गॉड. आप लोगों से नफरत करते हुए परमेश्वर को जान नहीं सकते. You got to learn love. You got to learn love. आपको प्रेम सीखना पड़ेगा. I have seen sometimes that men have more love for women, which is not written in the Bible. You can love both men and women. You understand what I'm saying? हर आदमी को विमेन मिनिस्ट्री नहीं दी. So we have to love everybody. That doesn't mean that you sit with a wicked person, you eat with them. No, that is not true. What it means is you try, and if you see that this person is wicked, he doesn't want to change, jaane do. You know, I don't have to suffer anybody. I'll tell you. I have given the gospels to thousands of people, lakhs of people. Actually, in all my 20 years, there is only one person who refused to repent and make the salvation. He was my driver. Only one driver. All drivers make the salvation prayer. Moni's drivers make the salvation prayer. Wherever we travel, my kids travel in trains, the whole compartment makes the salvation prayer. They reach there, they know me very well by then, because they tell the Paramjit Singh. I sometimes just
I've had hundreds of drivers in different cities. But suddenly his face comes in front of me sometimes. And I pray that today be his day of salvation in Jesus. मैंने अपने इन 20 वर्षों में लाखों और करोड़ों लोगों को सुसमाचार सुनाया होगा और परमेश्वर की उद्धार की प्रार्थना करवाई होगी. आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति है मेरा, एक ड्राइवर, जिसने परमेश्वर को मानने से और अपने पापों की क्षमा मांगने से इनकार किया है. अचानक से उसका चेहरा कई बार मेरे सामने आता है और मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरी ऐसी उम्मीद है कि शायद आज का दिन उसके लिए उसके उद्धार का दिन होगा यीशु मसीह के नाम से. John 4:7 हो गया. My love. The last scripture for today. जीवन सिद्धू जी, अमन धालीवाल जी, नवी कौशिक जी. 1 John. May all the people watching whose marriages are in doldrums be healed. जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी शादियों में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी प्रार्थना है प्रभु के वो चंगाई पाएं, वो मैरिजेस चंगाई पाएं. जो लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु उनके बदन में हीलिंग आए प्रभु. जो मुझे सुन रहे हैं उनके कानों में हीलिंग आए, दिमाग में हीलिंग आए प्रभु. जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु उनके परिवारों में शांति रहे प्रभु. प्रार्थना करता हूँ उन्नति हो, पैसा आए प्रभु, धन आए प्रभु, और धन का 10% और ऑफरिंग प्रभु अपने चर्च में, लोकल चर्च में जरूर दें यीशु मसीह के नाम से. आमीन. पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, चौथी आयत. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है. We go back now. You don't want to leave your old self and then you want victory. I've been teaching you about being born again. He said whatever is born of God, your emotions, your job, your businesses, your marriage, your travel, anything that you do which is born of God, of the new person that you are, will be victorious. Wow. Bolo. जो भी अच्छी तरह बोलो पूरा. जो कुछ भी परमेश्वर से पुनर्जीवित हुआ है, फिर से उत्पन्न हुआ है, बाइबल कहती है वह चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपका कार्य हो, जो उसके द्वारा वापस जन्मा हुआ है आपके पुनर्जीवन के कारण, वह सब पर संसार में हमेशा जय प्राप्त करेगा. You don't get this clear in your head. Any area where you cleanly cut off from there and you are doing it born again from God has to succeed. आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र जहां पर आपने अपनी पुरानी चीजों को निकाल दिया है, काटकर फेंक दिया है, और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जय पाना आपका निश्चित है. So do the Lord's work, do double gusto, and thank you for all your love, people who joined me, जो लोग यहाँ पे हैं.